एक सदी का इतिहास आपकी आंखों के सामने एक झटके में दौड़ जाता है। नहीं, गुजरा हुआ कल नहीं, आने वाला कल। और अब आप जानते हैं कि अगले 100 सालों में जीवन कैसे मोड़ लेने वाला है, प्लैनेट में इस दौरान किस तरह के बदलाव आएंगे, कौन से देश दुनिया में सबसे आगे निकल जाएंगे और क्यों आप कुछ जगहों में रहना नहीं चाहेंगे। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप जानते हो कि अगले 100 सालों में क्या होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो आने वाले 100 सालों में हो सकती हैं। प्लैनेट की आबादी का बढ़ना जारी रहेगा, टेक्नोलॉजीज बदल जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और क्लाइमेट चेंज पर इंसानों का असर और बुरा रूप ले लेगा। लेकिन कोई भी आने वाला कल नहीं देख सकता, जाहिर है आपको छोड़कर, और आप ये सब देखने वाले हैं। 2025, आप देखेंगे कि कैसे भारत चाइना से आगे निकलकर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इसकी आबादी बढ़कर 1.44 अरब लोगों जितनी हो जाएगी। आपको ग्लोबल वार्मिंग के भी असर देखने को मिलते रहेंगे। हाँ, आर्कटिक साल के कई महीनों के लिए बर्फ के बिना रहने लगेगा। जुलाई से लेकर नवंबर तक पोलर बेयर्स यानी ध्रुवीय भालू इन गायब होती बर्फ की चादरों पर जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। और जब अर्थ इस तरह के बड़े बदलावों से गुजर रही होगी, हम स्पेस से रिपोर्ट भेजने वाले वॉयेजर 1 के साथ कनेक्ट भी खो चुके होंगे। इस गहरे स्पेस प्रोब में एक गोल्ड की प्लेटिंग वाली डिस्क है, जिसमें इसके लॉन्च यानी 1977 से लेकर अब तक की अर्थ की आवाजें और तस्वीरें हैं। 2037, साल 2030 तक आपको थोड़ी अच्छी खबर मिलेगी। मलेरिया के खिलाफ हमारी लड़ाई जीत के करीब होगी। 2017 में इस बीमारी के लगभग 21 करोड़ 60 लाख केसेस थे, लेकिन दुनिया भर में इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक के साथ आने वाली मच्छर वाली जालियों का इस्तेमाल बढ़ने से यह बीमारी लगभग खत्म हो जाएगी। 1 बड़ा अर्थक्वेक 1300 किलोमीटर लंबी सैन एंड्रियास फॉल्ट में दस्तक देगा। इसका असर खतरनाक होगा, हजारों मौतें होंगी और कई लोग घायल होंगे, साथ ही इससे अरबों डॉलर का नुकसान भी होगा। 2050, अब सीधा 2050 में चलते हैं, और यहां आप देखेंगे कि रोबोट्स आपकी कई नौकरियां अपने हाथों में ले चुके हैं। हाँ, ये हॉस्पिटल्स, यातायात और सिक्योरिटी का काम कर रहे होंगे। आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी और पारंपरिक चीजें बनाने वाली नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी होंगी। अच्छी बात यह होगी कि मौजूदा रिसर्च के हिसाब से आपको दुनिया के कई हिस्सों में एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू होती दिखेगी। उम्मीद करते हैं कि आप एनर्जी रिसोर्सेस को पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल से कार्बन न्यूट्रल में बदलते देखेंगे। शायद हवा या सूरज से मिलने वाली पावर लगभग पूरी दुनिया को बिजली पहुंचा रही होगी। 2060, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की सारी कोशिशों के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग कहीं नहीं जाने वाली, और साल 2060 तक दुनिया के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो जाएगी। अगर आप तट के पास रहते होंगे तो आप अपने घरों को बढ़ते समुद्री स्तर और भयानक तूफानों का शिकार होते देखेंगे। न्यूयॉर्क सिटी को अक्सर आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए शायद वहां बड़ी समुद्री दीवारें खड़ी कर दी जाएं, और इसमें अरबों डॉलर का खर्च आएगा। 2068, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं। साल 2068 में आप इंसानों को और तेज होते देखेंगे, जिसका क्रेडिट जाता है सुधरी हुई एक्सरसाइजेस, नई तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स और मसल बढ़ाने वाले डिवाइसेस को। आप 100 मीटर की दौड़ में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखेंगे। इस पॉइंट पर लोग बायोनिक बन सकते हैं।
आपकी बॉडी में हर तरह की नैनो टेक्नोलॉजीज होंगी जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी और कुछ मजेदार चीजें करेंगी, जैसे कि आपकी स्किन को अलग अलग रंगों और पैटर्न्स में चमकाना। 2090 के दशक से पहले इंसान अपनी डाइट में प्रोटीन्स को लेकर कुछ नए तरीके ले आएंगे। ये कार्बन रिलीज करने और दुनिया की ग्रीन हाउस गैसों में 14.5% की हिस्सेदारी की वजह से फैशन से बाहर हो जाएंगे। इनकी जगह आप पूरी तरह से लैब में बनाया गया या प्लांट से बनने वाला मीट खा रहे होंगे। लेकिन मवेशियों की इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो खत्म हो रही होगी। कई भाषाएं भी साल 2090 तक खत्म हो जाएंगी। काफी चांसेस हैं कि इंग्लिश और मैंडरिन दो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के तौर पर छा जाएं। 2100 अगली सदी की शुरुआत में आपको शायद ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिले जिससे आप अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसी भयानक साइस्मिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे पास सरफेस के नीचे जो कुछ भी चल रहा है उसकी हैरान कर देने वाली जानकारी होगी और हम पहले से ही बता सकेंगे कि आने वाले कल में ऐसी घटनाएं कब और कहां होने वाली हैं। 2121 आखिरकार भविष्य के हमारे सफर के आखिरी पड़ाव साल 2121 में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जब आप अपना दिमाग एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकेंगे। हाँ, बधाई हो, आप अमर हो चुके हैं। अब वापस आज में आ जाइए और इनमें से कुछ अच्छी चीजों को मुमकिन बनाने में मदद करिए। आखिरकार जब आप भविष्य देख सकेंगे तो क्या आप उसे बदल भी सकेंगे? आप तो जानते ही हैं मैं अब क्या कहने वाला हूं। जानने के लिए देखते रहें क्या हुआ अगर।